2014 में एक अंगारेदार फिल्म आई थी, द एक्सपोज। मीम जब आम नहीं थे, ऐसे समय में उस फिल्म ने मीम वाला कंटेंट दे डाला था। सिनेमा जगत को उसका सबसे बड़ा योगदान था रवि कुमार के रूप में। जिस तरह पिछली सदी में अमिताभ का विजय था, शायद उसी तरह हिमेश भी रवि कुमार को बनाना चाहते थे। हाथ में शैंपेन का ग्लास थामे रवि कुमार अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं तो कोई गल नहीं, उनके कुछ डायलॉग्स सुनिए, पढ़िए, क्योंकि मेरे अंदर इन डायलॉग्स को बोलने की क्षमता नहीं है, इसलिए आपको इन्हें स्क्रीन पर ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने अब तक ये वीडियो बंद नहीं किया है तो आगे की पूरी कहानी आपके लिए है। हम सबको धन्य करने रवि कुमार फिर लौट रहे हैं। हिमेश ने अपने सोशल मीडिया पर खुद ये अनाउंसमेंट की, लिखा कि लोग उनकी फिल्म द एक्सपोज से रवि कुमार का स्पिन ऑफ चाहते थे। हिमेश सर, लोग तो आपका पुराना इमरान हाशमी वाला वर्जन भी चाहते थे। खैर छोड़िए, उन्होंने आगे लिखा कि वो रवि कुमार की कहानी एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म में ला रहे हैं। ये फिल्म होगी बैड एस रवि कुमार। हिमेश के मुताबिक यहाँ उनका हीरो 10 विलन से लड़ेगा। कहानी अगर यहाँ कोई होगी तो उसको लेकर अभी कोई डिटेल्स नहीं दी गई। पिछली वाली फिल्म से रवि कुमार के डायलॉग बड़े मशहूर हुए थे, ऐसा हम नहीं हिमेश खुद कह रहे हैं। नई फिल्म के डायलॉग्स भी उसी तर्ज पर होंगे। 3 मिनट का एक अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया गया, जहाँ रवि कुमार का एक आइकॉनिक डायलॉग सुनने को मिलता है। रवि कहते हैं, जिन तूफानों में तुम जैसों के कपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। रवि भाई साहब की इस लाइन से मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर आपने बैड एस रवि कुमार का टीजर देखा है तो समझ जाएंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं। पूरे टीजर में आग लगा रखी है, नहीं टीजर ने आग नहीं लगा रखी, बल्कि जलती हुई गाड़ियों आदि के शॉट भरे हुए। ऐसे में रवि भैया गाड़ी से उतरते हैं, लेदर की पैंट पहने, इतनी गर्मी में लेदर की पैंट देखकर ही दिल्ली की सर्दी में गर्मी लगने लगती है। ऐसी पैंट को अगर कोई धोएगा तो सुखाने के लिए तूफान ही लगेगा। खामखा लोग बोलते हैं कि हिमेश की फिल्मों में लॉजिक नहीं होता। हिमेश की नई फिल्म 2023 में रिलीज होगी। हालांकि फिल्म से पहला गाना बटरफ्लाई तितलियां 4 नवंबर 2022 को यानी कल रिलीज होगा। फिल्म की कहानी और म्यूजिक पर हिमेश रेशमिया ने काम किया है। उन्होंने ही कुणाल बख्शी के साथ मिलकर स्क्रीन प्ले भी लिखा है। फिल्म भी उनके बैनर हिमेश रेशमिया के प्रोडक्शन हाउस में बनी है। बस अब कोई ये जोक नहीं मारेगा कि फिल्म देखने भी सिर्फ हिमेश जाने वाले हैं। आपके लिए पूरी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।